आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पराठा यानी सांभर पराठा। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, आलू का, मेथी का, गोभी का, पनीर का, प्याज का, पर आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ और वो है सांभर पराठा। तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सांभर लिया है, सांभर को मैंने ग्राइंड कर लिया यानी मिक्सी में पीस के बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। और मैंने एक कप आटा लिया है, ये सांभर मसाला है, ये मैं आधी चम्मच डालूंगी। नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे क्योंकि सांभर में नमक होता है, तो इसलिए मैं आटे में थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा हम लाल मिर्ची का ये पाउडर डालेंगे। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर ये मैं आटा डाल रही हूँ। ये आटा मैं 1.5 कप ले रही हूँ, तो 1 कप मैंने डाल दिया है, आधा कप ये मैं और डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, तो नमक मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची ना डालें, क्योंकि सांभर में पहले से मिर्ची होती है। और ये मैं आधा चम्मच सांभर मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाए। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है, हम ये सारा आटा केवल सांभर से ही गूंदेंगे। तो ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मैं सांभर ले रही हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर सांभर ऐड करूंगी और इसको एक स्मूथ डो में गूंदती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको गूंद लिया है, यानी बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंद लिया है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी अपने हाथों पे। तो ये मैंने आधी चम्मच ऑयल ले लिया है और ऑयल को इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी, यानी ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और इसको अच्छे से गूंद लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि डो हमारा तैयार है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और फिर बनाएंगे हम इसके टेस्टी पराठे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद मैं एक छोटा सा डो ले रही हूँ, यानी इस तरीके से हमें डो लेना है, जैसे हम रोटी या पराठे का लेते हैं। और इसी तरीके से हमें आटा लगाना है, यानी सूखा आटा लगाना है और बिल्कुल इसको हल्के हाथों से बेलना है, ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं डालना है। और फिर इसके बाद हमें इसके बीच में ये घी लगाना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, यानी मैं इसको चौकोर शेप दे रही हूँ और बिल्कुल हल्के हाथों से। और फिर से हमें सूखा आटा लगा लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है। फ्रेंड्स, ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं बेलेंगे, यानी हमें इनको बिल्कुल छोटा बेलना है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं करना है। ये तो ज्यादा बड़े बड़े करेंगे तो ये फट जाएंगे बीच में से। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये बना दिया है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी सेकने के लिए, मैंने तवा पहले से ही प्री हीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तवा ले लिया, इसके ऊपर ये मैं घी डाल दूंगी, यानी ये मैंने देसी घी लिया है और इसको इस तरीके से रख दूंगी और फिर मैं इसको सेक लूंगी। फ्रेंड्स, जब तक वो सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाया था। बस एक छोटी सी बॉल लेनी है, उसको राउंड करना है और सूखे आटे में लगाना है और फिर से इस तरीके से बेलना है, यानी थोड़ा छोटा बेलना है और फिर घी लगाना है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, पर ये पराठा घी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने घी लगाया है। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लें। तो फ्रेंड्स, ये नीचे से सिक चुका है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको इस तरीके से उठाएं और ऐसे पलट दें और फिर नीचे थोड़ा सा इस तरीके से इस पे घी डाल दें कि जो नीचे वाला पार्ट है वो चिपके ना, और इसके ऊपर अच्छे से घी कोट कर दें, यानी जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये नीचे से भी सिक गया है, तो ये मैं इस तरीके से पलट दे रही हूँ और इसके ऊपर फिर ये मैं घी लगा दे रही हूँ, ये भी हमारा पराठा अच्छे से सिक जाए। तो आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है, तो खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, यानी थोड़ा इसको हल्का हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए सेक लें कि ये कहीं से कच्चा ना रहे। तो
मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों तरफ से काफी अच्छा सिका है, करारा सिक चुका है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और अपना दूसरा पराठा इसी तरीके से सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पराठे बनके रेडी हैं, यानी मैंने इनको सर्व कर दिया है। आप चाहें तो इसको दही के साथ या अचार के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं, यानी ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरे सांभर पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये नया पराठा कैसा लगा।